गया था और ये वही स्टिंग है जिसमें हरीश रावत को कथित तौर पर विधायकों की खरीद फरोख्त करते दिखाया गया। नवीन उनियाल हमारे रिपोर्टर इस वक्त फोन लाइन पर हैं। नवीन, कितना बड़ा संकट है फिर से हरीश रावत के लिए? निश्चित रूप से हरीश रावत के लिए एक बड़ी चुनौती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव नजदीक है। कुछ ही दिन में जो आचार संहिता है वो लगने जा रही है, और ऐसी स्थिति में जब उन्हें चुनाव प्रचार में होना चाहिए, चुनाव में पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, ऐसी स्थिति में उन्हें सीबीआई का जो सामना है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही कि उनको कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रचार है उससे दूर रखने की कोशिश जो है वो की जा रही है, और इसीलिए इस तरह की जो कार्रवाई है वो उन पर की जा रही है। इस तरह से इसी समय पर जो सीबीआई है वो उनको समन कर रही है। जी, हालांकि आज यानी 26 तारीख को जो मुख्यमंत्री है उनको सीबीआई के सामने पेश होना है, और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि मैं सीबीआई को पूरी तरह से उनको उनका सहयोग करूंगा, और इसीलिए उन्होंने ये भी साफ जताया था कि आज वो सीबीआई के सामने पेश भी होने जा रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो हरीश रावत की बढ़ेंगी, और इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो पूछताछ है वो मुख्यमंत्री से सीबीआई करेगी, और ये भी कह सकते हैं कि चुनाव से ठीक पहले अब कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में भी कांग्रेस के जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिलेंगी। जी, चुनाव प्रचार में दिक्कतें देखने को मिलेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो खुद हरीश रावत ने बयान में कही कि बीजेपी की भी जांच होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने ये बात भी रखी कि स्टिंग मामले में जो स्टिंग में दिखाया गया है, जिस तरह से स्टिंगकर्ता ने जो अपनी बात रखी और ये कहा कि उनके साथ साजिश हुई है, जो सीएम आवास था उसमें 2 साल तक एक दलाल ने यहाँ पर पूरी तरह से दलाली की, और भी बहुत सारी जो बातें जो इसमें कही गई, और ये कहा गया कि विधायक जो है वो उनकी सरकार गिराना चाहते थे, तो ये सब जो बातें हैं उन पर भी जांच करने की बात जो मांग जो है वो मुख्यमंत्री ने रखी है, और ये कहा है कि यदि सीबीआई निष्पक्ष तरह से इस पूरे मामले की जांच करना चाहती है तो वो उनके पक्ष की जांच करने के साथ साथ इन मामलों की भी जांच करे जो स्टिंगकर्ता ने कही है, और यदि ऐसा करती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे और जो तथ्य हैं वो निकलकर यहाँ पर सामने आएंगे, और इसीलिए वो चाहते हैं कि उन्होंने बात कही उसके साथ साथ इन बातों की भी जांच हो कि क्यों सरकार गिराने की कोशिश की गई, कौन लोग थे जिन्होंने सरकार गिराने की यहाँ पर कोशिश की, और इस पूरे मामले को देखते हुए उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाए जो इस पूरे मामले को लेकर साजिश करता रहे। जी, लेकिन हालांकि फिलहाल बीजेपी जो है इस खतरे से अभी दूर है, लेकिन एक जो सवाल हरीश रावत लगातार उठा रहे हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवीन, तमाम जानकारी के लिए।